आप थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ी सी हमारे मैडम कुछ तो बता दें। दो एक मिनट, ये हमारे अंदर सेक्शन फिलहाल अभी तक सर प्लीज मैडम ब्रीफिंग होगी। साठ अरब की लगाई है और 5000 कनाल है। अगर आप 60 अरब को 5000 से जरब डिवाइड करें तो ये 1.14 करोड़ रुपया पर कनाल बनती है रेगिस्तान। ये जगह गवर्नमेंट की एक प्राइस होती है, डीसी प्राइस, इट इज़ मैक्सिमम किसी भी मौजे की होती है। इस मौजे की 2 लाख रुपए फी एकड़ डीसी प्राइस है। हमने कम कीमत में लेकर डीसी प्राइस में पेमेंट की है, लेकिन हमारे साथ ये हुआ है कि 3000 कनाल का रिकॉर्ड ही नहीं है और बगैर रिकॉर्ड के फ्रॉड के साथ लैंड माफिया, वहाँ पर कुछ MNA MPs हैं सबका, वो लैंड माफिया जो है वो फ्रॉड के साथ ये मिल के महकमा माल के साथ उन्होंने हमारा फ्रॉड किया है और इसमें 3200 कनाल का वजूद ही नहीं है कहीं पर। हम उसके कागजात मांग रहे हैं, हम ये डिमांड कर रहे हैं और फोर्जरी की और FIR हम कराना चाह रहे हैं, एंटी करप्शन में हम जाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया है और हम वो अपने पैसा जो हमारा वहाँ खर्च हुआ है उसकी रिकवरी का मुतालबा करते हैं, लेकिन ये हमें रिकॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने जो रिकॉर्ड हमें फराहम किया है 3000 कनाल की हद तक, वो रिकॉर्ड मशकूक है। प्राइवेट ओनर से इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है जी, मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा जी, और उसके बाद इंतकालात हुए। डॉक्टर साहब आप साफ आ जाएंगे, इंतकालात हुए और जो गवर्नमेंट की ड्यू फीसेस थी वो भी पे की हैं। अब सिर्फ और सिर्फ विक्टमाइज करने के लिए जो इनको इनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे जो इंतकालात हैं वो 5200 कुछ कनाल हैं, 61 कनाल हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा कब्ज़ा है वो कम है, तकरीबन कुछ 700 कनाल 800 कनाल कब्ज़ा है। इसके बावजूद वो हमसे कब्ज़ा भी ज़बरदस्ती लेना चाह रहे हैं और ये मलाफाइडली एक एंटी करप्शन की FIR प्राइवेट ओनर्स के मौजूदगी में FIR तो बनती नहीं, एंटी करप्शन का तो कोई केस ही नहीं बनता। जो उनकी प्रॉपर फीस थी वो पे करके हमने इंतकालात करवाए थे, कोई ऐसा नहीं बनता कि एंटी करप्शन का जो केस है वो जस्ट विक्टमाइज और हाइप क्रिएट करने की। 6 अरब आप इसमें ऐसे करें जो हमने अपना पे किए ओरिजिनली और जो हमने, खान साहब भी मौजूद हैं, खान साहब का भी ये था कि रेगिस्तान में जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी को बनाया है और सोल लगाए ये दें और जिसको शौक है 6 अरब की ले लें। और 60 अरब आरएफ साहब ये बताया आज अदालत में क्या हुआ? अदालत में आज हम आए थे प्रोटेक्टिव बेल के लिए, 2 केसेस में, एक जो एंटी करप्शन के हवाले से थी और एक जो लाहौर में अभी नोटिस एक आया था तो उसके लिए भी हमने प्रोटेक्टिव बेल कराई है, दोनों प्रोटेक्टिव बेल कराई। तो ग्राउंड्स क्या थे अदालत? ग्राउंड्स ही अदालत में यही थे कि ये फेक फिक्टिशियस जस्ट विक्टमाइज करने के लिए केसेस हैं और इनमें कोई जान नहीं है, ना ही एंटी करप्शन वाले में और ना ही दूसरे केस में।